लॉकडाउन। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन का फैसला लेने के बाद देखिए किस तरह से हालात हैं, जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो चुका है। ये एक दुकान के आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल लोग यहां पर उमड़े हुए हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा यहां पर आपको भीड़ नज़र आएगी, कोई कोरोना प्रोटोकॉल यहां फॉलो नहीं हो रहा है। लोगों ने मास्क ज़रूर पहने हुए हैं लेकिन आपस में जो दूरी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, लॉकडाउन लग चुका है, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है या घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है? घर पे रहना चाहिए। तो आप लोग क्यों आए? अभी आए किसी काम से आया था, देखा ले लेते। आपको नहीं लगता कि घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी था? आपको नहीं लगता घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी था? क्यों आए घर के बाहर? सारे लोग आए तो हम क्या करें, सारे लोग आए हैं तो हम भी आए हैं। देखिए लोगों की इस तरह से जो लापरवाही है ये उसी की वजह है कि कोरोना लगातार जो है वो बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता भाई साहब, भाई साहब आपको नहीं लगता कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? लगता है। क्यों आए यहाँ पे? अरे 2 मिनट के लिए आए। ये देखिए, ये देखिए इन भाई साहब को कि अंदर से इतना सामान लेके जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये ज्यादा जरूरी है जबकि ये जरूरत का सामान नहीं है। लोगों की ये लापरवाही दिल्ली में कोरोना को बढ़ाने की एक मुख्य वजह रही है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस का एक कर्मी भी यहाँ पर लगातार लगा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। और ये आप हमारे कैमरे को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खुद अंदर दुकान से ही आ रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा कैमरा यहाँ लगातार बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में आखिर जो लॉकडाउन लगा है वो बेहद ज़रूरी था। अब देखना होगा कि ये लॉकडाउन कोरोना के मामलों को कम करने में कितना सहयोग देता है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्यांग भाई, दिल्ली न्यूज़ 24।